मैं आपको आज जीके का रिवीजन करवा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि जो टेस्ट लेने जा रहे हैं पीरियोडिक 17 के बाद से टेंजिबल आपको बुक में भेज देंगे, वो हम किस तरीके से ले जा रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है, वो समझाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ध्यान से समझिए, अपना जो टेस्ट होता है पीरियोडिक वन होता है 20 मार्क्स का, हमेशा से 20 मार्क्स का होता आया है। अब उस 20 मार्क्स को हमने कैसे डिवाइड किया, कैसे स्प्लिट किया, वो मैं समझाती हूँ। आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, वो कितने मार्क्स का होगा बेटा, 10 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स ईच, आपको 10 टिक द करेक्ट आंसर मिलेंगे। हर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मिलेंगे और 10 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स, सही गलत, ये आपको टोटल मिलेंगे 5, कितने मार्क्स से हो गए, 5 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस में कितने मिलेंगे, 5, तो ये कितने हो गए टोटल, 5 ही मिलेंगे और 1 मार्क्स ईच, तो 10 5 5, टोटल 20। इस तरह से आपको 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर आएगा और आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ के आंसर देते जाना है। एक चीज याद रखना, मैंने जो क्वेश्चन आपको कॉपी में बनवाए हैं एक्स्ट्रा, उसमें से ही मैंने घुमा घुमा के ट्विस्ट करके पूछा है, ये नहीं कि आप बुक का एज इट इज रन कर लें। बुक का मैंने बहुत कम दिया है, मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करा है। अब मैंने उसको क्वेश्चंस को कैसे मैंने आपसे पूछने जा रही हूँ वो मैं आपको बुक से समझाती हूँ। देखिए समझिए, ऐसे मैंने कैसे समझाया है, जैसे मैंने आस्क किया आपसे कि राइट द नेचुरल अल्टरनेट फ्लूड, हु इज विच इज द नेचुरल अल्टरनेट फ्लूड, तो अगर ऑप्शन में मैंने दिया पीट या फिर कुछ और नाम दे दिया मैंने नीम, तो आपको कौन सा करेक्ट टिक करना है, पीट, कौन सा करना है, पीट, तो आपको इसलिए पूरा अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, कि मैम कुछ भी पूछ सकती है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको चैप्टर को रीड करना पड़ेगा हर लेसन को। जैसे दूसरा मैंने क्वेश्चन अगर पूछा है, विच इज द इको फ्रेंडली क्लॉथिंग एंड हैड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, कौन सा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला फाइबर है, तो आपको आंसर आना चाहिए बैम्बू फाइबर। ये मैं वन वर्ड में भी पूछ सकती हूँ, टिक द करेक्ट आंसर में भी पूछ सकती हूँ, किसी भी फॉर्म में मैं आपको पूछ सकती हूँ, तो आपको ये आना चाहिए कि कौन सा इको फ्रेंडली फाइबर है, बैम्बू फाइबर। अब जैसे नेक्स्ट अगर मैंने पूछा विच इज द बेनिफिशियल ड्रिंक, एक ऑप्शन में मैंने लिखा ग्रीन टी, दूसरे में मैंने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद है वो कौन सा है, ग्रीन टी। कोल्ड ड्रिंक तो हार्मफुल रहता है, वो तो जंक फूड में आता है, तो हमको ये आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैम कुछ भी पूछ सकती है बीच में से। अब मैं बायोडीजल सीड कौन सा होता है, सीड्स आर वेरी यूजफुल एंड प्रोड्यूस बायोडीजल, कौन सा सीड होता है, जेट्रोफा, कौन सा होता है, जेट्रोफा, तो स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब ये फोक डांसेस हैं, तो आपको इनको मैचिंग में सब स्टेट के फेमस फोक का जो फोक डांस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा विच इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ, नेम द फोक डांस ऑफ कश्मीर, तो आपको पता होना चाहिए डुमहर, विच इज़ द फोक डांस ऑफ गोवा, तो पता होना चाहिए फुगड़ी। ये मैं आपको ट्रू फॉल्स या फिर टिक द करेक्ट आंसर में पूछूंगी। मैंने कुछ पूछूंगी विच इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर मैंने ऑप्शन में दे दिया गिरिदा डांस और हुरका बुल, आपको पता होना चाहिए कि हुरका बुल ही जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस उनके नेम फोक डांस के याद करने हैं। जैसे कि जो अगर गोवा का फोक डांस है तो फेमस गोवा का फोक डांस कौन सा है, फुगड़ी, कौन सा है, फुगड़ी, तो हमको याद होना चाहिए कि फुगड़ी गोवा का है, मध्य प्रदेश का क्या है, गिरिदा, तो अगर ऑप्शन में आया है कि विच इज द फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, तो आप फुगड़ी और गिरिदा दो लिखे हैं तो सही वाला पे टिक लगाना है, तो सही कौन सा होगा, गिरिदा, कैसा होगा, गिरिदा। अब नेक्स्ट आइलैंड वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच आइलैंड लुक लाइक फिश, कौन सा आइलैंड फिश के जैसा दिखता है, तो आंसर में आना चाहिए गैस आइलैंड, कौन सा दिखता है, गैस, तो आपको पता होना चाहिए कि गैस आइलैंड फिश के जैसा दिखता है, तो यही आपको याद होना चाहिए। अगर पूछ लिया कि विच आइलैंड लुक लाइक सी हॉर्स, सी हॉर्स के जैसा एक घोड़े के जैसा कौन सा आइलैंड दिखता है, ईसाबेला, और एक ऑप्शन में एक डिफाइन भी आ सकती है कि व्हाट इज आइलैंड, तो वन वर्ड में वन सेंटेंस में आप लिख सकते हो कि ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड, एंड आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक छोटा सा जमीन का हिस्सा, छोटा सा द्वीप जिसको बोलते हैं, जहाँ चारों तरफ जो पानी से घिरा हो, वहाँ जिसको द्वीप बोलते हैं, आइलैंड,
एस साइलेंट रहता है, आई लैंड प्रोनाउंस करते हैं, इसलैंड नहीं बोलते। कुछ गर्ल्स इसलैंड इसलैंड बोलती हैं जो कि गलत होता है। तो आपको ये आ सकता है कि कौन सा आइलैंड हार्ट के शेप का है, तो आंसर क्या होगा, तवरुआ आइलैंड। तवरुआ ये कहाँ पे है, फिजी में। तो आइलैंड की डेफिनेशन याद करना है अच्छे से, बिल्कुल एक शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, कि पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, बस इतना सा। और ये फ्लिटा ब्लैंक्स में कि कौन सा आइलैंड किसके जैसा दिखता है, ये भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा आइलैंड किसके जैसा दिखता है। अब टर्टल के जैसा कौन सा आइलैंड दिखता है, सेरेन्यूज, कौन सा दिखता है, सेरेन्यूज आइलैंड। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको फेमस एथलीट्स, जो फेमस वुमेन दी गई हैं, बहुत फेमस पर्टिकुलर अपने स्पोर्ट्स में जो फेमस है, जैसे बैडमिंटन में पी वी सिंधु है और हिमा दास हमारी रनर है बहुत बड़ी, इनको इनका निकनेम। तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ ढिंग, सॉरी हिमा दास, तो आपको लिखना है ढिंग एक्सप्रेस। तो ये आपको फिल्म के ब्लैंक्स में भी आ सकता है और या फिर चूज द करेक्ट में भी। अब मैरी कॉम क्या है, मैरी कॉम किसकी चैम्पियन है, बॉक्सिंग की। तो पता होना चाहिए कि मैरी कॉम बॉक्सिंग की फेमस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फेमस हैं हमारे इंटरनेशनल बॉक्सिंग विनिंग चैम्पियन में इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। विनेश फोगट क्या है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं, विनेश फोगट वुमेन रेसलर हैं कुश्ती वाली। और सानिया मिर्जा तो सबको पता है कि शी इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, ये बहुत अच्छा टेनिस खेलती हैं, टेनिस प्लेयर, टेनिस में फेमस हैं। तो सानिया मिर्जा जैसे टेनिस में है, विनेश फोगट रेसलिंग में है, तो इनको पता होना चाहिए कि मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती है। तो कोई भी आपको आ सकता है कि विच इज़ द फेमस बॉक्सिंग प्लेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैरी कॉम, ठीक है। और पी वी सिंधु क्या है, बैडमिंटन प्लेयर। तो इन वुमेन्स के कौन कौन से गेम्स ये खेलती हैं, ये पर्टिकुलर किस फील्ड में चैंपियन है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिफ्थ चैप्टर, तो टोटल लेसन फाइव है, तो मैं लास्ट वाले में क्या है, टोटल लेसन फाइव आ रहे हैं जीके में। तो हमारी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या आ सकता है, सबके निकनेम याद होने चाहिए, सबके निकनेम। जैसे भगत सिंह जी का निकनेम क्या है, तो विच इज़ द व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ भगत सिंह, तो आपको पता होना चाहिए शहीद, क्या निकनेम है, शहीद। रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, झांसी की रानी। और बाल गंगाधर तिलक जी का क्या है, लोकमान्य। तो इनके निकनेम आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनके निकनेम अच्छे से याद करने हैं, कि हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, व्हाट विच इज़ द निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तो आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी। और सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है, नेताजी, क्या नाम है उनका निकनेम, नेताजी। इन सबके निकनेम अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा और घुमा के पूछा जाएगा। और लास्ट वाला ये इनका है फेमस स्लोगन, कि ये स्लोगन किसने दिया, तो विच इज़ द हु गेव दिस स्लोगन, जय जवान जय किसान। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने दिया, तो पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन था, नारा था, फेमस नारा था, जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद किसका था, शहीद भगत सिंह का, किसका था, शहीद भगत सिंह का। और स्वराज, सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये किसका था, सुभाष चंद्र बोस जी का, किसका था, सुभाष चंद्र, सॉरी बाल गंगाधर, ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी का था, सॉरी मैंने गलती से सुभाष चंद्र बोस जी बोल दिया, ये बाल गंगाधर तिलक जी का था। गिव मी द ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, आप तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये है सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमको याद होना चाहिए अच्छे से। और सत्यमेव जयते किसका था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, सत्यमेव जयते किसका था, मदन मोहन मालवीय जी का, किसका था, मदन मोहन मालवीय जी का। अब ये पूरे टोटल फाइव लेसन्स हो गए अपने, और ये एक्सरसाइज हमें को ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन टिक द करेक्ट और वन वर्ड में पूछे गए हैं, और ट्रू फॉल्स में भी पूछे गए हैं। अगर ट्रू फॉल्स में ये लिख दिया कि निकनेम ऑफ भगत सिंह इज नेताजी, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं, निकनेम ऑफ भगत सिंह इज शहीद, तो ये गलत था, तो आपको एफ लिखना है गलत सेंटेंस के आगे। तो ट्विस्ट करके दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो ट्विस्ट करके दिए गए हैं, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका रिवीजन मैंने करवा दिया, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।